And so you probably scored one of the greatest, if not the greatest, goal in Champions League history against Juve. And you got a standing ovation from the fans. Did that have any influence on you? Some people say yes, some people say no. I can't say the small details make a big difference in the end of the day. So I will say what I see in that stadium helps, to be honest. Unfortunately, I scored that goal in my actual club. But anyway... नाज़रीन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नवाकिफ होगा। पुर्तगाल के लिए खेलने वाले एक मशहूर फुटबॉलर जिन्हें फैंस गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। दौरे हज़र के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड खिलाड़ी सड़क पर सफाई करने से लेकर पुर्तगाल नेशनल टीम के कप्तान बनने तक की इनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू शाहवार टीवी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवियेरो है। रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक शहर फंचल में पैदा हुए। रोनाल्डो की हाइट 6'2" है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वालदा मारिया एक कुक थी और इसके वालिद दिनेस एवियेरो एक गार्डनर थे। रोनाल्डो के बड़े भाई का नाम ह्यूगो है और दो बड़ी बहनें हैं जिनके नाम इल्मा और लिलियाना है। नाज़रीन, रोनाल्डो का बाप एक शराबी आदमी था जिसकी वजह से इनके हालात काफी खराब रहे हैं। 1992 से 1995 तक एज ए चाइल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंडोरिना के लिए खेले जहां उनके वालिद किटमैन थे। इसके बाद 2 साल तक नेशनल के साथ गुजारे। 1997 में 12 साल की उम्र में स्पोर्टिंग क्लब के साथ 3 रोजा ट्रायल पर गए जिसने उनको £1500 में साइन कर लिया। 14 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपनी काबिलियत पर यकीन था कि वो आगे खेल सकते हैं और अपनी माँ से मशवरा कर के अपनी तालीम को रोक दिया ताकि वो फुटबॉल पर फोकस कर सकें, इसलिए ग्रेड 6 के आगे स्कूलिंग ना कर पाए। रोनाल्डो को अपने टीचर पर चेयर फेंकने की वजह से भी निकाला गया था, ऐसा भी सुनने में आता है। तकरीबन 1 साल बाद रोनाल्डो को पता चला कि उसे दिल की एक बीमारी है जिसकी वजह से शायद वो आगे खेल नहीं पाएगा। इसके चलते रोनाल्डो ने अपनी लेजर सर्जरी करवाई और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के फौरन बाद ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। नाज़रीन, एक ही सीजन में रोनाल्डो ने क्लब के अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, बी टीम और फर्स्ट टीम के लिए खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा मैच 17 साल की उम्र में खेला था। अगस्त 2002 से लेकर मई 2009 तक रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला, जिस दौरान रोनाल्डो ने 192 मैचेस में 84 गोल्स किए। इसी तरह साल 2002 में रियल मैड्रिड क्लब ने $132 मिलियन चुकाकर रोनाल्डो को शामिल कर लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2015 तक था। बाद हजार क्लब ने रोनाल्डो को 1864 करोड़ में दोबारा साइन कर लिया और इस तरह रोनाल्डो दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। शायद आप ये बात तो जानते होंगे कि रोनाल्डो की बॉडी पर कोई भी टैटू मौजूद नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो साल में 2 मरतबा ब्लड डोनेट करते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो अपना पैसा फ्लाई कामों में भी लगाते हैं। एक मरतबा रोनाल्डो ने 10 महीने के बच्चे के इलाज के लिए 51 लाख रुपए की मदद की थी। नाज़रीन, रोनाल्डो एक बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं। इसके वालिद की मौत शराब पीने के बायस हुई थी, इसलिए रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जिंदगी में इतनी मुश्किल देखने के बाद भी रोनाल्डो ने हार नहीं मानी और फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम बनाया और ऐसा नाम बनाया कि कोई भी इस लेजेंड को कभी भूलेगा नहीं। और ये कहना भी गलत ना होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक लिविंग लेजेंड है। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए शाहवार टीवी को सब्सक्राइब करें।